छत्तीसगढ़ वालों की बात ही निराली है, इसलिए तो कहा जाता है साहब छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वैसे साहब आपका मोबाइल फोन के बारे में क्या विचार है? मेरा तो जी बस एक ही विचार है कि मोबाइल फोन
हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनते बनते हमारे शरीर का भी एक अभिन्न अंग बन चुका है। आदमी अपना सब कुछ भूल सकता है, अपने आप को भूल सकता है, लेकिन अपना मोबाइल फोन नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा साहब वो। इसी जीवन शैली और हम सब के मोबाइल फोन के प्रति जो अटूट लगाव है, अटूट प्रेम है, उसे एक हास्य कविता के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं और दिल से आशा करता हूं कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो जी शुरू करता हूं। मोहित हरे मोर नाम, मोहित हरे मोर नाम, हवो एक सीए स्टूडेंट, हवो एक सीए स्टूडेंट, कविता सुन के मोर देहू भैया और दीदी घलोक, औ दीदी घलोक अपन अपन कॉम्प्लीमेंट। तो जी बात यूं है, सुनेगा, मोबाइल के जमाना है, मोबाइल के जमाना है, चलत थे भारी नेट, मोबाइल के जमाना है, चलत थे भारी नेट, एकर चक्कर मा दाल भात घलोक नहीं खवावे भर पेट, उठत बैठत रेंगत दौड़त, उठत बैठत रेंगत दौड़त, घसत घसत कोलगेट, सब जन लगे है मोबाइल मा, सब जन लगे है मोबाइल मा, गरीब होवे चाहे सेठ, नहीं छोड़न मोबाइल ला भैया, नहीं छोड़न मोबाइल ला, भले हो जाए क्लास और ड्यूटी मा लेट, भले हो जाए क्लास और ड्यूटी मा लेट, डोकरा बाबा घलोक, डोकरा बाबा घलोक खोजा थे मोबाइल मा नेट, बता भैया कहाँ है नेट, डोकरा बाबा घलोक खोजा थे मोबाइल मा नेट, कभू चढ़त है एंटीना कभू चढ़त गेट, एकर चक्कर मा, एकर चक्कर मा, पते की बात करने जा रहा हूं साहब, एकर चक्कर मा लेबर पड़ गए महंगा वाला हैंडसेट, काम बुता सबला छोड़ के, काम बुता सबला छोड़ के, करत है सबजन चेट, करत है सबजन चेट, जय हो तोर नेट, जय हो तोर नेट। देखिए साहब बात यूं है कि हर चीज का अपना महत्व है। यदि मोबाइल फोन को हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। बस यही कहना